विवादित बयान पर चौतरफा गिरे पूर्व विधायक वारिस पठान की सफाई, कहा गलत तरीके से पेश किया गया भाषण, बीजेपी पर देश तोड़ने का जड़ा आरोप। वारिस पठान के विवादित बयान पर ओवैसी का एक्शन, मीडिया से बात करने पर लगाई रोक। औरंगाबाद में वारिस पठान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विरोध प्रदर्शन में जलाया पुतला। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर देशद्रोह लगाने की मांग की, पार्टी को भी प्रतिबंधित करने की बात कही। एमएनएस नेता बालानंदन गोनकर की वारिस पठान को खुली धमकी, कहा दोबारा दिया ऐसा बयान तो महाराष्ट्र से कर देंगे बाहर। ओवैसी के मंच से पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे लगाने वाली लड़की को भेजा गया जेल, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अमूल्या लियोना के रूप में हुई रैली में नारा लगाने वाली लड़की की पहचान, पुलिस ने दर्ज किया देशद्रोह का केस। बेंगलुरु में ओवैसी की एंटी सीएए रैली के दौरान हुआ था हंगामा, लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में लगाए नारे। पाकिस्तान के समर्थन में नारे सुनते ही ओवैसी और आयोजकों ने लड़की को रोका, लोगों के रोकने पर भी नहीं रुकी लड़की। पाकिस्तान वाले नारे लगाने वाली लड़की के चिकमंगलोर के घर पर तोड़फोड़, बढ़ाई गई सुरक्षा। लड़की के पिता ने भी किया बेटी की करतूत का विरोध, बोले नहीं मिलनी चाहिए जमानत। कर्नाटक के सीएम ने जताई लड़की के नक्सलियों से संबंध की आशंका, बोले मिलेगी सजा। हिंदू जागरण मंच का बेंगलुरु में प्रदर्शन, ओवैसी की रैली में पाकिस्तान के समर्थन के नारों का विरोध किया। बीजेपी ने ओवैसी की रैली पर खड़े किए सवाल, पात्रा बोले मन में है खोट। भीम आर्मी के सीए और एनआरसी को लेकर भारत बंद का तेजस्वी ने किया समर्थन, 23 फरवरी को किया है बंद का ऐलान। शाहीनबाग पर तीसरे दौर की बातचीत आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन। मीडिया को लेकर अभी भी तकरार, वार्ताकार मीडिया की गैर मौजूदगी में अलग करना चाहते हैं बात। 2 दिन से हो रही यह बातचीत, नहीं निकला हल। शाहीनबाग पर बातचीत के बीच कुछ देर के लिए खोला गया रास्ता, बाद में पुलिस ने फिर लगाया बैरिकेड। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर में से एक रास्ते में पुलिस ने हटाए थे बैरिकेड, एम्बुलेंस और बस खराब होने की वजह से खुला था कुछ देर के लिए रास्ता। महाशिवरात्रि पर शाहीनबाग में लगा भगवान शिव का पोस्टर, लिखा बांटो नहीं मैं सब देख रहा। दिल्ली पुलिस ने जामिया के कुछ छात्रों को भेजा नोटिस, हिंसा को लेकर करेगी सवाल जवाब। चेन्नई में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन लगातार 7 दिन से जारी, पुलिस ने 20,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मदुरई में भी सीएए के खिलाफ 7 दिन से प्रदर्शन जारी, एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की। अगले महीने से सीएए के समर्थन में रैली करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, रैली से विरोधियों को देंगे जवाब। नसबंदी के आदेश को लेकर बैकफुट पर कमलनाथ सरकार, वापस लिया सर्कुलर। कमलनाथ सरकार ने एमपी में जारी किया था फरमान, नसबंदी का लक्ष्य पूरा न होने पर वेतन काटने की दी थी वार्निंग। आदेश से भड़की एमपी की सियासत, शिवराज सिंह बोले एमपी में इमरजेंसी पार्ट 2। कमलनाथ ने फिर मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, बोले देश के लिए जानना जरूरी कि कितने लोग मारे गए। हमारे आर्मी एयरफोर्स कोई फेक काम नहीं करते, पर जानकारी तो दे, जानकारी दे देश को, आपको दे जानकारी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच तकरार जारी, सिंधिया के समर्थन में आए मिर्ची बाबा, सिंधिया सड़क पर तो हम भी करेंगे समर्थन। दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे, कुछ देर में करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी से मिलेंगे। मोदी से उद्धव की शिष्टाचार मुलाकात, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलेंगे उद्धव ठाकरे। योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन, कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तरनतारण में लगे सिद्धू के पोस्टर, नशा और माफिया को लेकर पूछा गया सवाल। दिल्ली में नया थलसेना भवन की भूमि पूजन, राजनाथ सिंह ने किया शिलान्यास। 5 साल में बनकर तैयार होगा नया सेना भवन, सर्वधर्म संभाव की दिखी झलक। कुपवाड़ा में पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन, नीलम वैली से आतंकवादियों के घुसपैठ के लिए पाकिस्तान कर रहा था फायर। डीएसपी देवेंद्र सिंह और आतंकी नावेद को लेकर साउथ कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। बेंगलुरु में एक और लड़की ने दिखाए कश्मीर की आजादी के विवादित पोस्टर, पुलिस ने हिरासत में लिया। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास नहीं भूमि पूजन, प्रधानमंत्री को भी मिला न्योता। पीएम आवास पर हुई ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, मंदिर की रूपरेखा को भी लेकर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में 3-4 मार्च को हो सकती है ट्रस्ट की अगली बैठक, मंदिर निर्माण की तारीख का हो सकता है ऐलान। सुन्नी बोर्ड ने अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के लिए प्रस्तावित जमीन को किया मंजूर, सूत्रों के हवाले से खबर।
5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद की बजाय बनेगा शिक्षण संस्थान, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी एक संस्थान का होगा निर्माण। संघ के खिलाफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का हल्ला बोल, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के सामने लहराएंगे तिरंगा, बोले आरएसएस नहीं करते तिरंगे का सम्मान। कानपुर में घायल दलितों से मिले चंद्रशेखर आजाद, दो पक्षों के झगड़े में हुए थे घायल। योगी सरकार ने स्टेशन के नाम बदलने की अधिसूचना की जारी, प्रयागराज के 4 स्टेशन के बदलेंगे नाम। दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण पर नजर, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ध्यानचंद स्टेडियम में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। सूरत में महिला कर्मचारियों के साथ मेडिकल टेस्ट के नाम पर अभद्रता, सामूहिक रूप से उतरवाए कपड़े। भारत दौरे से पहले ट्रंप ने बढ़ाया भीड़ का आंकड़ा, कोलोराडो रैली में बोले अहमदाबाद में स्वागत के लिए पहुंचेंगे 1 करोड़ लोग। ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम तैयार, भव्य दिख रहा है देश का सबसे बड़ा स्टेडियम। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, यहीं पर होगा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। 2 दिन के अपने दौरे पर ट्रंप अहमदाबाद के बाद जाएंगे आगरा, पत्नी मेलानिया के साथ ताजमहल का करेंगे दीदार। ट्रंप के दौरे को लेकर सीआईएसएफ ने ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई, परिसर में लगातार चेकिंग की जा रही है। निर्मला सीतारमण से मिले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आर्थिक विकास को लेकर हुई चर्चा। 23 फरवरी से तेजस्वी निकालेंगे बेरोजगारी हटाओ यात्रा, युवा क्रांति रथ नाम की बस से निकालेंगे रैली। बिहार से पलायन रोकने के लिए चिराग पासवान की यात्रा, 14 अप्रैल को इस यात्रा का गांधी मैदान में होगा समापन। फिल्म के सेट पर हुए हादसे को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने कमल हासन को भेजा नोटिस, सेट पर हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत। असम के कोकराझार में बीटीसी प्रमुख हागरामा की पत्नी के काफिले पर हमला, बाल बाल बची। जनगणमन यात्रा में किशनगंज पहुंचे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार, अमित शाह पर कसा तंज। माथा का केस उड़ जाने से लो चाणक्य नहीं हो जाता है। कन्हैया ने पीएम मोदी पर भी साधा निशाना, कहा पीएम ने दारोगा बहाली अभ्यर्थी की पिटाई वाली खबर से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर खाया लिट्टी चोखा। ग्वालियर में सीएए के खिलाफ विपक्षी नेताओं की जनसभा, सीताराम येचुरी और दिग्विजय सिंह ने मोदी शाह से सावधान रहने के नारे लगवाए। मोदी शाह सावधान। धन्यवाद। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का विवादित बयान, हाजीपुर की रैली में नीतीश कुमार के सियासी वध के नारे लगवाए। रथ पर सवार होकर कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप ने मंच से बजाई बांसुरी और शंखनाद कर पूजा करवाई। झांसी के डीएम शिवसाय अवस्थी के बिगड़े बोल, तैयारियों से संतुष्ट न होने पर अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। यार इतना आपको कॉमन सेंस नहीं, चूना डाल के रखना चाहिए था यहाँ पे, जब मैं देखने आ रहा हूँ खड़े। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में लगा श्रद्धालुओं का तांता, मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में भी भारी रौनक, जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लगी भीड़। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी भगवान शिव के जयकारे, जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। उज्जैन के महाकाल में भी मंदिर के बाहर उमड़े भक्त, हर हर महादेव से गूंजा शिवालय। प्रयागराज में दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। बिजनौर में 2 कारों की टक्कर में हादसा, एक कार में लगी आग, चंद मिनट में जलकर खाक। मनाली में मौसम खुलने के बाद बीआरओ ने मनाली लेह मार्ग को बहाल करने की कवायद शुरू की। बीआरओ ने स्नो कटर मशीन से रास्ता साफ करना शुरू किया, अप्रैल के अंत तक बहाल होगा मनाली लेह मार्ग। बीटीआर दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, मौसम बदलने से फिर बढ़ी ठंड। कानपुर में एक डॉक्टर ने आग लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास। गिरडीह में नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।